हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मद्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हिमाचल से हूँ और हमारे हिमाचल की एक बहुत ही फेमस ये डिश है मद्रा। अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, मतलब अलग अलग चीज़ दालों सब्जियों से हम मद्रा बनाते हैं। तो आज मैंने मखाने और पनीर का मद्रा बनाया है। तो इसके लिए देख लेते हैं सामान। तो यहाँ पर मैंने 6 टमाटर की प्यूरी यूज़ की है और आधा कप मैंने खोआ लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 3/4 कप दही का लिया है और 1.5 कप मैंने भुने हुए मखाने लिए हैं। करीब 300 ग्राम पनीर लिया है और काजू 4 मगज और खसखस का 1-1 टीस्पून तीनों का लिया है और इसको हम पाउडर बना के रख लेंगे। अदरक और हरी मिर्ची को मैंने दरदरा सा पीस के रख लिया है और अब मैंने यहाँ पर लिया है जीरा, जिसको हम मसाले में डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा लिया था, 2 टीस्पून सॉल्ट के लिए थे, 1.5 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून ही लिया है कसूरी मेथी का। अब हमारा तेल गरम हो गया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिए थे और गरम तेल में अब हम जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो सरसों के तेल में या देसी घी में भी इसको बना सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैंने अदरक और हरी मिर्ची का दरदरा सा पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे या जब तक ये अच्छे से भुन जाए। कच्चेपन की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च हमारी अच्छे से पक गई है और मैं यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने इस मद्रे के लिए अनियंस और गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। मोस्टली हिमाचल में गार्लिक और अनियन का यूज़ धाम का खाना बनाने के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो नहीं करें। किसी मदरे में मैं यूज़ करके आपको दिखा दूँगी इन फ्यूचर। और जो भी हमारे सूखे हुए मसाले हमने लिए थे वो हम सारे यहाँ पर टमाटर के साथ ही डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। अभी टमाटर के साथ मसाले डालने का फ़ायदा ये होगा कि ये धीरे धीरे अपने सारे ऑयल्स रिलीज़ करेंगे और जैसे हमारे टमाटर पकेंगे हमारे सारे मसाले भी साथ में पकते जाएंगे। अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई को हम ढक देंगे और साथ में ही हम एक पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल ग्रीस किया है और हम अपने पनीर को सॉटे करके रख लेंगे। इसको सिर्फ हमने गोल्डन ब्राउन ही करना है, इसलिए पका रहे हैं कि ये सब्जी में घुल ना जाए, बस इसको थोड़ी सी शेप और टेक्सचर अपना मिल जाए। मखानों को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था। अब ये देखिए हमारे टमाटर और मसाले अच्छे से पक गए हैं, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने काजू खसखस और 4 मगज का पाउडर करके रखा था वो डाल देंगे, अच्छे से मिलाएंगे और साथ ही में जो हमने दही रखा था उसको भी मिला देंगे। ये दोनों चीज़ें अब टमाटर के साथ धीरे धीरे पकती रहेंगी। यहाँ पर काजू और 4 मगज और खसखस को मैंने भिगोया नहीं था, इसलिए ये जल्दी से पक जाते हैं और कढ़ाई में नीचे चिपकने का भी इनका डर नहीं रहता और टेस्ट आपको वैसा ही अच्छा सा आता है। हम इस दही वाली कढ़ाई को भी अच्छे से दही डाल के ढक देंगे, नहीं तो सारी किचन में छींटे लग जाते हैं। ये देखिए दही अच्छे से भुन गई है, इसको बिल्कुल सुखाना नहीं है, बस ये जब ऑयल आपका ऊपर आ जाए एक बार ऊपर के सतह पे तो समझिए कि दही भी भुन चुकी है। और दही को मैंने बिना फेंटे हुए जैसा बोल में दिखाया था वैसे ही डाल दिया है। अब जो खोआ मैंने रखा था जिसको मावा भी कहते हैं उसको इस भुने हुए दही वाले मिक्स में डाल दिया है और अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। अगर आप खोआ यूज़ नहीं करना चाहते तो आप आराम से इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, आपको फिर भी बहुत ही टेस्टी मद्रा मिलेगा। खोए का यूज़ हम मोस्टली पनीर के मद्रे में ही करते हैं या एक आधे किसी और मद्रे में चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये देखिए खोआ भी अच्छे से पक गया है और दही के कारण यूज़ करने के कारण सारे ऑयल्स ऊपर आ जाते हैं, जबकि हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल इसमें यूज़ किया था। 1 स्पून में यहाँ पर अब देसी घी का डालूँगी ताकि एक अच्छी सी शाइन हमारे मदरे को मिले और अच्छी सी खुशबू भी आए। कुछ लोग तो 50% देसी घी भी इसको पकाने में यूज़ करते हैं, लेकिन हम उतना देसी घी नहीं डालेंगे।
अब हमारी ये ग्रेवी तैयार है, तो भुने हुए मखाने मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही में हम अपना जो पनीर हमने रखा था उसको भी डाल देंगे। अगर पनीर आपने बहुत पहले फ्राई करके रख लिया है तो इसको मेक श्योर करें कि आप गर्म पानी में सोक करके रख दें ताकि पनीर हार्ड नहीं हो और मदरे में आपको अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर खाने को मिले। पनीर और मखाने डालने के बाद अच्छे से हम एक दो मिनट के लिए इसको भून लेंगे और जब आपको लगे कि ऑयल रिलीज होने लग गया है तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए एक दो मिनट चलाने के बाद ये अच्छे से अब ऑयल को छोड़ने लगा है। तो अब मैं यहाँ पर गर्म पानी में इसमें डालूँगी। मदरे की कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, ये रनी बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब प्लेट में सर्व होने के बाद ये बहना नहीं चाहिए। तो उसी हिसाब से आप पानी डालेंगे और ये रखा रखा गाढ़ा भी होता जाता है क्योंकि मखाने भी पानी अब्सॉर्ब करेंगे, तो आप उस हिसाब से पानी सोच समझ के डालिएगा। बाई चांस अगर ये थिक हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध बॉईल करके डाल दीजिए या दूध के साथ पका दीजिए, तो आपको खाने लायक बढ़िया कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। ये देखिए अब हमारा मदरा अच्छी तरह से तैयार है, सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है। पानी डालने के बाद मैंने इसको 4 मिनट के लिए पकाया था क्योंकि सब कुछ इसमें सॉफ्ट था तो कुछ पकाने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मदरे को हम मोस्टली तो चावल के साथ ही खाते हैं, प्लेन राइस के साथ इसको सर्व करते हैं, आप चाहें तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे जल्दी से।